दोस्तों आपको अपने चैनल विशाल इंजीनियर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 84% बराबर है तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए क्या होता है, अगर किसी भी संख्या को हमको परसेंटेज में बदलना होता है तो क्या करते हैं, हम 100 का गुणा करते हैं। अगर कोई परसेंटेज दिया है उसको भी नहीं बदलना होता है तो कितने का गुणा करते हैं, तो 1/100 का। तो 84% दिया हुआ है, 84%, तो हमको दोस्तों को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज हटाते हैं तो दोस्तों कितने का गुणा होता है, 1/100 का। तो 84 × 1/100 हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया दोस्तों, 84/100। कट कर दीजिए दोस्तों, देखिए किससे कटता है, 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो 2 से कट करिए, 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, और 4 काटेंगे 2 × 2 = 4, 100 को काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 × 6 = 10, 0 ऐसे उतर गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 42 अंश हो गया और 50 हर हो गया। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कौन सा आंसर से मैच खा रहा है, ये नहीं है 42/100, हमारा 42/50 है, तो 42/50 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 23,200 / 145 बराबर है 160 है, तो 223/1.45 बराबर है। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या दिया है कि अगर हम 23,200 में 145 का भाग देते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 160 आता है। तो हम 232 में अगर 1.45 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें हल। 232 में कितने का भाग देना है बच्चों, 1.45 का। हम पहले क्या करेंगे, इसको दशमलव को हटाना है, नीचे से दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी रूप में हमको इसको लाना है कि वो इसी रूप में आ जाए, तो इसको रूप उसी रूप में लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हम देखिए नीचे कितने पे दशमलव लगा है, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव लगा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देते हैं तो दशमलव हट जाएगा, अब इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, तो ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर गुणा होगा तो 232 × 100 हो गया, और नीचे हो जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 145 100 का गुणा होगा तो 0 0, तो कितने अंक पे दशमलव लगा दोस्तों, अपने अंक पे दशमलव लगा दिए 5 और 4, मतलब 1 और 2 अंक, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 3 2 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो 132 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23,200 / कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 223,200 / 145 कितना आ गया, 145। तो ये वाला देखिए दोस्तों इसी रूप इसी का रूप में आ गया कि नहीं, इसका मान हमको दिया हुआ है कितना दिया है, 160, तो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, 160 के। तो हमने देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है, तो हम 76,076 में कितने का भाग देंगे, तो 13 का, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है, तो चलिए देखिए भाग देते हैं यहाँ पे 76,076 में कितने का भाग देना है, 13 का, तो चलिए 13 का भाग इतनी बार करना है
कि 76 से ज़्यादा ना हो, इसके बराबर या इससे कम हो। तो 13×5 65, 13×6 78, 6 क्या हो जा रहा है बच्चों, ज़्यादा हो जाए, तो 13×5 65, ठीक है। 6 में से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे घटा देंगे, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 1, 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1, बगल वाली संख्या क्या है उस घट जाएगी कितना हो गया 110। 13×5 इतनी बार पढ़िए कि 110 से ज़्यादा ना हो। 13×13 = 104, 13×9 = 117, तो 13×9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना बार जाएगा 13×8 = 104, 0 में 4 जाएगा नहीं दोस्तों, तो 4 इधर उधार दे जाएगा, तो 10 हो गया, 10 में 4 गए 6, यहाँ बच्चा 0, 0 में से 0 गए कटकुट, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, तो कितना आ गया ऊपर से दोस्तों 7, कितना हो गया 67। 13×5 इतनी बार पढ़िए किससे ज़्यादा ना हो, 13×5 65, 7 में से 2 निकालें, 5 निकालें कितना आएगा दोस्तों 2, 6 में से 6 कुछ नहीं, अब क्या उतर जाएगा ऊपर से 6, 13×2 = 26, तो शेषफल क्या हो गया दोस्तों कुछ भी नहीं 0, और यही हमारा क्या हो गया दोस्तों भागफल, तो भागफल कितना हो गया दोस्तों हमारा, भागफल पूछा है, भागफल कितना हो गया 5852, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, देखिए 5852 हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, 5852, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.9 भागे कोष्टक में 0.03 × 0.03 का मान है, अब आपको इसमें से बताना है कौन सा मान सही है, तो हल करिए कितना दिया है दोस्तों, हल करिए 0.9 भागे 0.03 × 0.03, अब क्या करेंगे सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, देखिए कितना आता है 0.9 भागे, अब 3 का गुणा 0.3 के साथ होगा, देखिए कितना आता है बच्चों 0.3 × 0.3, 3×9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 3×9 होगा सिर्फ, अब यहाँ पे हमको 2 अंक पे 10 लगाना है, तो इसके आगे क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, कितना आ गया 0.09, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, यहाँ 0 का मतलब कुछ नहीं है, 0.09, ठीक है। अब क्या करना है हमको, मतलब 9 में कितने का भाग देना है 0.09, इसका मतलब क्या हुआ था बच्चों ने, कि हमको 0.09 / 0.09, नीचे 0.09 हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे 100 का 2 अंक पे लगा है, तो इसका मतलब 100 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, तो 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 900, नीचे भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 900, अब नीचे कितना ऊपर कितने अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों, 1 अंक पे दशमलव लगा है, और नीचे कितने अंक पे दशमलव लगा है 2 अंक पे, तो ऊपर क्या बचा 90/9, दशमलव हटा दीजिए पूरी तरह से, अब 90 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, 9 की 9 या 9 धामा 90 कट गया, कितना गया यहाँ पे, कितना गया हमारा आंसर 10, आंसर कितना हो गया दोस्तों 10, और देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं